कुल्लू के एसपी रहे गौरव सिंह इन दिनों चर्चा में हैं। लोगों को लगता है कि गौरव सिंह ने थप्पड़ मार दिया तो क्या उन्होंने काम नहीं किया होगा। हम आपको एक बहुत पुराना इंटरव्यू जो दैनिक जागरण में रमेश राणा जो बद्दी के रिपोर्टर रहे उनके नाम की क्लिप कहीं मिली है, मैं उसे पूरा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि गौरव सिंह ने उस समय क्या कहा था। तब इनकी उम्र मात्र 25 साल थी और उस समय गौरव सिंह डीएसपी हुआ करते थे। पूरी स्टोरी ये है कि शुरू से पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पुलिस जिला बद्दी के तहत हाल ही में ज्वाइन किए 25 वर्षीय युवा आईपीएस अधिकारी गौरव सिंह ने बद्दी बरोटी वाला में अवैध कार्य करने वाले लोगों पर इस प्रकार लगाम कसी है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन होने का एहसास होने लगा है। इस तरीके की खबर मैं दैनिक जागरण में पढ़ रहा हूँ जिसमें लिखी हुई है और बाइलाइन लिखी हुई है। इस खबर को पढ़ने से ही महसूस हो रहा है कि कोई अधिकारी कितना काम करता होगा। बीबीएन बद्दी में 2 माह के कार्यकाल में डीएसपी बद्दी गौरव सिंह ने सामाजिक बुराइयों पर कार्रवाई से सबको हिला दिया है और लोग उनको सिंघम कह कर के पुकारने लगे हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये पुरानी खबर का वीडियो है, लेकिन इसको भी जानना ज़रूरी है। चाहे खनन माफिया हों, अवैध शराब माफिया हों, उनके आने के डर से थरथरा उठता है। न कोई सिफारिश न कोई दया याचिका, अगर कोई नियम तोड़ा है तो आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। पुलिस से अमूमन यह उम्मीद नहीं हो पाती है। उनके काम करने के अलग अलग तरीके से पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप भी कम हुआ है। वहीं एसपी बद्दी ने डीएसपी को खुला हाथ देने से भी बद्दी पुलिस चमकी है। ये बता रहे हैं कि बद्दी पुलिस की छवि जो है चमकी है जब से डीएसपी गौरव सिंह गए हैं। 1 माह के कार्यकाल में डीएसपी ने खनन माफिया को दिन रात गश्त करके घरों में दुबकने के लिए विवश कर दिया है। अमूमन पत्रकार इस तरह की खबर लिखते नहीं हैं, लेकिन खबर में दम है इसलिए लिखी गई है। इस इंटरव्यू में जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है 4 घंटे आराम 20 घंटे काम। लिखा हुआ है बीबीएन की अपराध जगत को खत्म करने में जुटे पुलिस अधिकारी। 4 घंटे का आराम और 20 घंटे काम करने वाला अधिकारी कभी भी मानसिक संतुलन खो सकता है, इसकी पूरी संभावना होती है। जो घरों में दिन भर बैठे हैं उनको लगता है कि ये गलती कैसे हो गई, और यही बड़ी बात है। डीएसपी गौरव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनको अपने सुख चैन की चिंता की बजाय सिर्फ कानून के दायरे में काम करना अच्छा लगता है। ये ट्रेनिंग और आपकी परवरिश ही ऐसी होती है कि आपको यही सब अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं पोल टॉक, लगातार देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, इसमें